खुजली होगी बे। पहले मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को घर में चार दीवारी के अंदर बैठ करके फिर शूट करूं, मतलब कि रूम के अंदर बैठ करके फिर शूट करूं। फिर मैंने सोचा कि मैं तो बोर हो ही जाऊंगा, तो आप लोग कितना बोर हो जाओगे, तो मैं आ गया यहाँ पर। और मैं अकेला नहीं आया हूँ, इधर आ जा जल्दी जल्दी। हेलो, मेरे साथ है ऋषभ, ऑटोमोबाइल इंसाइक्लोपीडिया, ये भी यूट्यूबर है। सही बोला, सही बोला, सही बोला। ये दूसरी बार, तीसरी बार सही बोला मैंने। बोल, एट लास्ट बोल तो दिया। व्हाट इज अप पीपल, हाउ आर यू ऑल डूइंग। ये ऐसे ही करता है ये अपने चैनल के ऊपर, मतलब कि इंग्लिश के अंदर वीडियो बनाता है। अगर आप लोगों की शिकायत रहती थी मेरे से कि आप इंग्लिश के अंदर नहीं बनाते, तो डेफिनेटली इसके चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डाल देंगे बस, वो सॉर्टेड है। डाल दूंगा। एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर की नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा आप। खैर, तो आप लोगों के संदेश जो है वो पढ़ते हैं, उनका रिप्लाई करते हैं आप लोग। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बधाई संदेश। मिगलानी जी, बहुत बहुत बधाई हो, होंडा अमेज उन्होंने परचेज करी थी और मेरे कान खा गए एक्चुअली के अंदर ही। बहुत ज़्यादा इनके मैसेज पे मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर, हमारी लगातार चैट चल रही थी, तो लास्ट के अंदर इन्होंने होंडा अमेज ले ली। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। साहिल जी ने ली है इग्निस, कॉन्ग्रेचुलेशन साहिल। प्रिंस ने ली है i20 एक्टिव और बलिनो ली है ऋषि ने, और एक और बलिनो ली थी जिनका मैसेज मेरे पास आया था, वो ली थी ध्रुव ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और आपकी पूरी फैमिली को। आराम से चलाइएगा, सीट बेल्ट डाल के चलाइए। तो पहला क्वेश्चन जो लेंगे वो लेंगे ऋषभ भाई, बताइए जरा। पहला क्वेश्चन है सद्दाम की तरफ से, भाई बेस्ट पेट्रोल कार विद बेस्ट सेफ्टी फीचर्स अंडर 9 लाख्स, प्लीज हेल्प, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया हूँ। i20 पेट्रोल एस्टा ऑप्शनल में फॉर हाईवे राइड महीने में 1200 किलोमीटर सही रहेगी क्या, बताइए सर। डेफिनेटली, देखो सद्दाम भाई, देखो कन्फ्यूज होना बनता है क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी गाड़ियां हैं 9 लाख की रेंज के अंदर, लेकिन यहां पर आप i20 के ऊपर जाएंगे तो i20 से थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन यहां पर पेट्रोल के अंदर मौजूद है। चाहे आप बलिनो पेट्रोल भी लेंगे तो भी आपको राइड क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर मिलेगी। इसकी बजाय, इन दोनों की बजाय मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा जेज या होंडा अमेज, लेकिन अगर आपको हैचबैक लेनी तो होंडा जेज के ऊपर डेफिनेटली आप जा सकते हैं, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छी है, और अभी तो थोड़ा सा फेसलिफ्ट भी किया है उन्होंने। सेकेंड क्वेश्चन है गौरव जी की तरफ से, अरे भाई एसी जिम या नॉन एसी जिम विच इज बेटर, वीडियो बनाओ इसके बारे में तो जरूर। एसी जिम या नॉन एसी जिम, ये बढ़िया क्वेश्चन है, और आया भी एक जिम वाली फोटो के रिप्लाई आया ये तो। ओ, मैं कह रही हूँ गौरव जी बहुत ज़्यादा बोल रही हो। खैर कोई बात नहीं यार, मौके पे चौके वाली बात है, चाहे एसी मिल जाए चाहे नॉन एसी, मेन मकसद होता है आपका वर्कआउट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्या जी की तरफ से, सर मेरा बजट 15 लाख्स है, नाउ आई एम प्लानिंग टू बाय द न्यू जनरेशन वर्ना डीजल मैनुअल, बट लिटिल बिट कन्फ्यूज दैट इन दिस बजट शुड आई बाय SUV या फिर सेडान, और गाड़ी को हाईवे पर भगानी है, बट सर इतना बजट में कौन सा लूँ। 15 लाख का बजट, देखिए 15 लाख की बजट के अंदर आपकी चॉइस बहुत अच्छी थी वरना, लेकिन बात सुनिए, ऐसा है कि आप कंफ्यूज हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सेम प्राइस के अंदर एक SUV भी आ जाती है और आपकी लग्जरी सेडान भी आती है। तो मैंने एक जो है वीडियो बनाया हुआ, ऊपर आपको लिंक मिल रहा होगा, उसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उस वीडियो को आप डेफिनेटली देख लीजिएगा। और अगर फिर भी आपका कन्फ्यूजन दूर ना हो तो मैं आपको एक दो ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पर। पहली बात तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए टाटा हैरियर का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है वो हॉट डिमांडिंग है फिलहाल, और काफ़ी लोग ऑलरेडी वेट कर भी रहे हैं, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आने वाला है, तो डेफिनेटली उसकी भी आप वेट कर सकते हैं। अगले यूज़र का नाम बढ़िया है, द लॉस्ट ट्रैवलर। ओके, काफ़ी बढ़िया नाम है। सर मैं टाटा विस्टा लेना चाहता हूँ जो पहले बहुत पुरानी है, मुझे पसंद है, कैसी है ये गाड़ी। अरे क्या बात है, टाटा विस्टा आप लेना चाहते हैं, साथ भेजिए बकायदा। भाई जी आपका जैसा नाम है वैसा काम भी है। टाटा विस्टा लेंगे तो भाई साहब मतलब कि आप लॉस नहीं रहेंगे, मेरे को ज़्यादातर आप दिखाई देंगे सर्विस सेंटर के अराउंड ही। अभी यार कुछ चेंज करो उस गाड़ी को, काफ़ी थोड़ी सी आउटडेटेड है, अभी काफ़ी अच्छे ऑप्शन आ गए हैं मार्केट के अंदर, तो उनको क्यों नहीं ट्राई करते। और वैसे भी आपको अभी बहुत ही बजाई हुई गाड़ी मिलेगी टाटा विस्टा, अगर मिलेगी तो काफ़ी पुरानी भी हो चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरंजय की तरफ से, अगर गलत नहीं बोला हो तो। चिरंजय, हाँ सर, आई वॉन्ट टू बाय नेक्सॉन बट आई ड्रोव द पेट्रोल इंजन, दैट इंजन्स पावर इज नॉट अप टू द मार्क, एंड आई लव द डीजल इंजन ऑफ नेक्सॉन बट माई रनिंग इज लेस, देन सर वॉट टू डू, इज इट विल बी गुड टू गो विद डीजल इंजन।
देखो यार, बहुत ही सही क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं कि क्योंकि ऐसा यार मेरे को भी फील हुआ था जब मैंने पेट्रोल जो नेक्सन चलाई है ना, तो मेरे को भी काफ़ी फील हुआ था इस बारे में। काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी होता ये फील, तो अगर आपको ये फील होती तो मैं तो आपको कहूँगा कि इसके ऊपर ना जा करके आप दूसरी गाड़ी के ऊपर जा सकते हैं। मतलब कि जैसे कि फोर्ड इको स्पोर्ट जो है पेट्रोल के अंदर, डेफिनेटली उसके ऊपर जा सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है अगर मैं कहूँ तो, 19-20 का जरूर फ़र्क लगेगा, क्योंकि डेफिनेटली उसका जो डीजल इंजन जो है वो काफ़ी पैपे, काफ़ी मज़ा आता है उसको चलाने में, लेकिन उसके कंपैरिजन में पेट्रोल डाउन है। तो वैसे आप पेट्रोल इको स्पोर्ट के ऊपर जा सकते हैं। अभी वैसे भी टाटा के इंजन में काफ़ी सुधार भी काफ़ी आया गया है, तो वो भी एक ऑप्शन अच्छा है आपके पास अभी अवेलेबल। डेफिनेटली आप देख रहे होगे मेरे ख्याल से पसीने कैसे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। हाँ लीजिए ना, लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक जी। भाई आपने रविंदर भाई की टिगोर काफी चलाई है, जब भी मिलते तभी रगड़ देता हूँ। तो टिगोर ना लेने के कोई 5 कारण बताइए। अरे वाह, मतलब ये क्वेश्चन तो ये है, मतलब कि आपने पहले तो मतलब कि उनको फ्रेम के अंदर रखा रवि भाई को भी है। आप चाहते क्या, लड़ाई करवाना? मतलब वो 6 फुट 4 इंच का आदमी मेरे को आकर के पीटे अच्छा लगेगा क्या है? तू मेरी टिगोर चलाता है, ऊपर से तू बुराई भी करता है। आधा पूरा भी नहीं हुआ। अच्छा हाँ, टिगोर ना लेने का कोई 5 कारण बताएं, और टिगोर के बजट में टिगोर से बढ़िया कोई कार बताएं यदि हो तो। प्लीज डोंट इग्नोर माई क्वेश्चन, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड अ वेल विशर। अब यार आपने बोला तो इग्नोर तो मैं कैसे कर देता आपके क्वेश्चन को, लेकिन बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन बोला है यार। वो बताओ टिगोर। देखो टिगोर ना लेने के एक दो रीजन है उसके अंदर नेगेटिव है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने रिव्यू के अंदर नहीं बोला है टिगोर नेगेटिव है। जैसे कि वो 3 सिलेंडर इंजन है, थोड़ी सी नॉइज आपको फील होगी कैबिन के अंदर। दूसरी चीज की बस और तो कोई नेगेटिव चीज़ है नहीं यार उसके अंदर। दूसरी चीज़ ये लगा सकते हो कि टाटा की सर्विसेज, लेकिन हाँ अभी जो है वो फ्रीक्वेंटली जो टाटा है काफ़ी अच्छे प्रयास कर रही है अपनी सर्विस को, काफ़ी अच्छा कर रही है, बेहतर कर रही है। इसी प्राइस के अंदर आप अमेज के ऊपर जा सकते हो, जो कि थोड़ा सा आपका बजट थोड़ा सा जरूर बढ़ेगा, लेकिन अमेज के ऊपर भी जा सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यजीत की तरफ से। हेलो रोहित जी। हेलो। टाटा हेक्सा इतनी अच्छी पैकेज होने के बावजूद रोड प्रेजेंस नहीं है, क्या इसके आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है या और कुछ रीज़न है? सत्यजीत भाई, ऐसा है कि जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई भी यही है, मतलब कि हेक्सा इतना अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद ज़्यादा नहीं चला। क्यों नहीं चला? देखो सर्विस की अगर मैं बात करता हूँ तो पास जो था टाटा का इतना बेहतर नहीं था, जिसकी वजह से जिसका खामियाजा जो है वो इस टाटा हेक्सा को भुगतना पड़ा यहाँ पर, राइट। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो टाटा बदल रही है, सर्विस के मामले में भी बदल रही है, प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे लेकर के आ रही है और सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी है उनकी, तो धीरे धीरे लोगों की सोच जो है वो बदल रही है। आई एम श्योर कि जब टाटा हैरियर आएगी तो पूरी की पूरी सोच जो है वो चेंज करके रख देगी। सीरियसली एक गेम चेंजर गाड़ी होगी वो टाटा के हिसाब से, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, डेफिनेटली आप जाकर के ऊपर आई बटन के अंदर आ रहा होगा, वो जाकर के जरूर देखिए, काफ़ी अच्छी गाड़ी है वो भी। चंदन सिंह जी की तरफ से फ्री एडवाइस, मैं जब इंस्टाग्राम के क्वेश्चन पे वीडियो बनाओगे तो मेरा नाम ले लेना। लो नाम ले लो चंदन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्ष की तरफ से। आपकी स्टैंडर्ड 500 में कौन सा सिलेंसर एग्जॉस्ट लगा है? देखो यार, जब मैंने 500 ली थी तब उस टाइम थोड़े बाद के अंदर मैंने एक कोई साइलेंसर जरूर चेंज करवाया था। मैंने हार्डली 300-400 किलोमीटर चलाया होगा, और वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा लाउड था, लेकिन उसकी वजह से भी मेरे को खुद ही सर में दर्द फील होने लग गया। सीरियसली बोल्ट है हाँ करो। तो फिर मैंने उसका साइलेंसर हटा दिया और स्टोक्स जो साइलेंसर है वही वापस से लगा लिया। और वैसे चाहे जो भी बोले कि परफॉर्मेंस साइलेंसर है, ये है वो है, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ जाता है उसके ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर। तो स्टोक साइलेंसर आर बेस्ट। बताइए भाई अगला अभिषेक भाई का क्वेश्चन था। पहले पूछते, हाय रोहित, हाउ आर यू? आई एम फैंटास्टिक ब्रो। Hope you are well. Bro, I used to drive Ford Classic petrol. Okay. And I loved the vehicle for its driving pleasure. Just okay. Tell me the same quality SUV or sedan to buy in 9 to 11 lakhs range, as driving dynamics and feel are the my foremost concern. ओके तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि फोर्ड क्लासिक क्या है, तो उनको मैं बता दूं कि फोर्ड क्लासिक जो है वो फोर्ड फिएस्टा गाड़ी थी जो पुराने वाली थी, उसका नाम चेंज करके फोर्ड क्लासिक हुई थी, क्योंकि फोर्ड फिएस्टा के नाम से दूसरा एक ढांचा आ गया था उनका, मतलब अलग एक गाड़ी आ गई थी, तो पुराने वाली का नाम इन्होंने फोर्ड क्लासिक रख दिया।
तो उसी रेंज के अंदर वैसे ही इंजन के साथ डेफिनेटली काफी 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 अच्छी थी गाड़ी वो। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको अभी भी यही सजेस्ट करूँगा कि पेट्रोल के अंदर जाएंगे तो डेफिनेटली अगर एक एसयूवी ले रहे हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी ले रहे हैं, तो फोर्ड के ऊपर ही रहिए और फोर्ड इको स्पोर्ट्स आप ले लीजिए। ये एक और अभिषेक का सवाल है। अच्छा क्या बात है अभिषेक, ये अभिषेक लगातार कितने किलोमीटर चल सकती है? अच्छा मैंने सुना है कि ज्यादा चलाने पर इंजन में आग लग जाती है। प्लीज आग लग जाती है। कहाँ से सुना भाई जी? ऐसा कुछ नहीं है, तब तक आप चला सकते हो जब तक कि गाड़ी की पेट्रोल की टैंक में पेट्रोल है। और आपको भी तो रेस्ट चाहिए ना यार, ये थोड़ी कि रगड़ते रहना 1000-2000 किलोमीटर। ठीक है, छोटी बाइक है, कम सीसी की बाइक है, तो नॉर्मल चलाओ, 150-200 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाओ फिर चला लो। एक और शाफिक भाई पूछ रहे हैं कि भाई मोबाइल से कैसे व्लॉग करें, उस पर वीडियो बना दो ना प्लीज़। ओके भाई जी, हाँ एक मैंने मोबाइल से प्रॉपर बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर शायद इन्होंने कमेंट किया होगा। एक मोबाइल से बनाया हुआ बहुत इजी है यार, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। मोबाइल यूज़ कर रहे हो आप, एक्शन कैम यूज़ कर रहे हो, दोस्त का मोबाइल फ़ोन मांग के कर रहे हो, गर्लफ्रेंड का फ़ोन यूज़ कर रहे हो या DSLR से कर रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। जब आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर हो जाएँ तब इन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करना। मोबाइल से नॉर्मली उसका जो पोर्ट आती है, हैंड्स फ्री जो आती है मोबाइल के साथ ही, वो यूज़ करो और नॉर्मल मोबाइल का कैमरा आप यूज़। तो ये था भाई लोग आज का हमारा Q&A सेशन। और हाँ सिर्फ इतने ही क्वेश्चन नहीं थे आप लोगों का, लगभग 100-150 लोगों को मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर खुद इन्हीं हाथों से रिप्लाई किया है। तो जिनको भी रिप्लाई किया है वो प्लीज़ कमेंट करके तो बता दें कि उनको रिप्लाई मिल गया है। अगर जिन्होंने उनका रिप्लाई नहीं देखा तो इंस्टाग्राम खोल करके देख लें, उनको रिप्लाई आया हुआ ज़्यादातर को मिलेगा। ओके तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इंस्टाग्राम Q&A के अंदर जो है वो नेक्स्ट हफ्ते मिलेंगे। तो आप पूछते रहिए, फॉलो करते रहिए ऑफिशियल फ्री एडवाइस एट इंस्टाग्राम। तो चलो दोस्तों मिलते हैं। और मेरे को सब्सक्राइब करना, मेरे को चलो भाई को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इनका जो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा और यहाँ कहीं गोला बना हुआ आ रहा होगा, वो जरूर लास्ट के अंदर आपको गोला बना हुआ मिल जाएगा, तो उसके ऊपर बस एक मैसेज के साथ कि अगर आप 4-व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए, 2-व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाइए, आसपास देख करके चलिए, खुद सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।